तो इसलिए आपका ये रोल है कि उसको सही से आप गाइड करो, उसको सही चीज बताओ. इन जनरल आपको मुझे लगता है जेन्युइन गाइडेंस देनी चाहिए. जब मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बताऊ, इवन यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैंने बोला भाई कि नहीं तुम ये मत करो, सब्जेक्ट पे गौर मत करो, तुम वहां पे हो तो वहीं लॉन्च करो. आप ट्राई करो कि जेन्युइन एडवाइस दो, जो आपको लगता है सही है वो एडवाइस दो. तो इसीलिए मेरा हमेशा ये ही राय है कि सामने वाले के साथ वो चीज ना हो, उसको वो क्वालिटी मिले, उसको वैल्यू फॉर मनी मिले. इसीलिए मैं उस चीज को समझ रहा हूँ कि बहुत मेहनत से पेरेंट्स पैसे कमाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी के भी साथ ऐसी चीज हो कि वो पैसे खर्च करके बोले कि सही नहीं था. तो मेरा इंटेंशन सही है, मेरा क्या जो भी काम कर रहे हैं हम सबका इंटेंशन इस चीज में एकदम क्लियर है. तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. और मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट से ये चीज एक्सेप्टिंग की अलग है. अभी तक इतने कोर्स नहीं आए मैथ्स वगैरह के कोर्स, जैसे 3 साल हो गए कौन नहीं निकालता मैथ्स का, एफटी का कोर्स निकाला, सारी ब्रांच ले दी है होगा, बट ऐसा लग रहा है कि यार कुछ अलग आया ना. ऑलरेडी मैथ्स के इतने सारे कोर्सेज हैं, और जो भी वो फीडबैक भी देते हैं कि सर ये अच्छा नहीं है, ये चीजें इम्प्रूव हो सकती है. कई सारे लोग बताते हैं तुम्हारे मेरे को फीडबैक हुआ चला, कोई टीम मेंबर्स भी सर ये इम्प्रूव हो सकता है, वो हमारे ध्यान में रहता है कि हमें वो करना है. कोई भी ऐसी चीज अगर आपको पता चले, आपको सुनने में आए कि यार एक्सर्जिक कह रहे हैं कि इसमें ये चीजें जो सही नहीं है, आप फ्रेंकली आप कनेक्ट हो जाना मेरे से, आप मेरे को बताना कि ये चीज है, कि ये इशू आ रहा है, उस पर काम करेंगे और चीज को इम्प्रूव करेंगे. ये तो मेरी गारंटी है. ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे अरे वो बच्चे को क्या बताया, हमें ज्यादा पता है, हमने जो किया वो सही है. ऐसा कभी भी एटीट्यूड आएगा ही नहीं, इसी तरीके का एटीट्यूड रहेगा. थोड़ी सी ये बात थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी.